हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं 20 फीट बाई 35 फीट का एक बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान है। हमने इसको 3 BHK के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों, इस हाउस प्लान में सबसे खास बात है कि आपको एक 4 व्हीलर पार्किंग का भी स्पेस देखने को मिल जाता है और इसमें आपको पूजा रूम का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर आपको पूजा रूम नहीं चाहिए तो आप कुछ और अपना स्टोर रूम भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके सारा डिटेल हम आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से इस हाउस प्लान को सेटअप किया गया है और इस हाउस प्लान को बनाने में कितना कास्ट लगने वाला है और इसको किस तरीके से आप बनाएंगे तो आप अपने कास्ट को कम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, हमने कॉलम की जो साइज़ है वो 10 फीट रख दी है। ठीक है, हाइट और साइज़ की बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का साइज देखने को आपको मिल जाता है। तो देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका पूरा कॉलम देखने को मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कभी भी घर बनवाएं तो सबसे पहले कॉलम का काम करवाएं, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा है। एक तो जो आपके घर का लोड है वो सारा कॉलम पे आ जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का क्रैक की संभावनाएं देखने को नहीं मिलेगी आपके घर में। ठीक है, तो देख सकते हैं। और इसके अंदर रेनफोर्समेंट की अगर बात करें तो दोस्तों, 4 रेनफोर्समेंट में देना है सीधा, जो 16 mm डाया का रहेगा और आपको 8 या 10 इंच के दस एम एम का रिंग बना के प्रॉपर आपको बंदी कर देना है 5-5 इंच की स्पेसिंग पे। ठीक है, तो चलिए अब आउटर की जो वाल है इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों, कभी भी घर बनाए तो जो आउटर वाल है कोशिश करें कि 9 इंच का देने का, इससे आपका बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे एक तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो आपके घर के अंदर की जो प्लास्टरिंग, अंदर की जो पेंट आप कराते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन कराते हैं, वो ख़राब नहीं होगी। और दूसरा आपका फ़ायदा होता है, आपका सेफ्टी पर्पज़ से बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं, ये एक लाइन हम मार्क कर रहे हैं, ये आपका प्लिंथ लेवल होता है। ठीक है, प्लिंथ लेवल का बहुत सारे फ़ायदा होता है जो आज हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट तो आपके प्लिंथ अगर अच्छे हाइट पे है तो आपका घर में वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी। वाटर लॉगिंग जैसे आपके घर के अंदर पानी नहीं रुकेगा। ठीक है, और आपको प्लिंथ लेवल जो आपके घर के सामने का जो बिल्डिंग हो उसकी क्या हाइट है, घर के सामने का रोड क्या है उसका क्या हाइट है, अगर बगल में आपका कोई अस्पताल है तो इसका रेफरेंस लेके आप उसकी हाइट को के हिसाब से आप थोड़ा सा अपना घर की हाइट ज़्यादा ही रखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका प्लिंथ लेवल हो गया। हमने यहाँ पे 2 फीट की हाइट पे ली है रोड से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अंदर की जो पार्टीशन वाल है। ठीक है, तो देख सकते हैं अंदर की जो पार्टीशन वाल है वो आपको 5 इंच का देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ईंटे की चुनाई रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सारा जो दीवार है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, अभी आपको इसमें सारा जो डोर विंडो का सेटअप है वो हम कर देंगे, उसके बाद से हम आपको डायमेंशन डिटेल बता देंगे सारा, उसके बाद से इस घर को बनाने में कितना कास्ट लगता है वो भी सारा डिटेल हम बता देंगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डोर मिलता है जो आपका गेस्ट रूम रहेगा। ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डोर आ गया आपका जो गेस्ट रूम का है। ठीक है, ये आपका पार्किंग एरिया है और यहाँ पर आपके घर का जो मेन डोर है। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ आपके घर का ये मेन डोर हो गया। ठीक है, और ये आपका किचन है तो किचन के लिए भी एक हम डोर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये आप एक मिनट, ये देखिए, ये आपका किचन का हो गया डोर और यहीं से आपका यहाँ पे एक गेस्ट रूम से अंदर की तरफ का भी एक डोर देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ। ठीक है, अब इसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जो दोनों लेवल हो, ये जो दोनों हाइट है, थोड़ा सा अगर हम ये दिखा देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो दोनों हाइट है वो सेम है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा बैक जाएं, देख सकते हैं ये आपका पार्किंग एरिया, ये गेस्ट रूम, गेस्ट रूम से निकल के आप अब ये गैलरी से अपने हाल में जा सकते हैं। यहाँ पर इधर आपका टॉयलेट, इधर में आपका किचन जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम सही है, किचन आपके टॉयलेट के आसपास नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं इधर हो गया और पूजा रूम भी काफ़ी दूर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं पीछे में 2 बेडरूम देखने को मिल जाता है और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके दोनों का डोर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप एक पूजा रूम का सेटअप कर सकते हैं, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं बना दिया और इसको थोड़ा सा ये हाइड कर दिया, यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर दिए, यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, मूर्ति अपना रख के अच्छे से मंदिर वंदिर बना के आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उतना होने के बाद यह आपका फ्रंट में, यानी यहाँ पे एक आपको मेन गेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक मेन गेट दे देंगे, यहाँ पे आपका 4 व्हीलर पार्किंग हो जाएगा
ठीक है। और यहीं से आपका सीढ़ी का सेटअप रहेगा, ठीक है। इधर से आपका सीढ़ी रहेगा, यहाँ से स्टार्ट रहेगा और ऐसे जाके यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एल शेप में, ठीक है। तो यहीं पे आपका पार्किंग और यहीं पे आपका सीढ़ी का सेटअप देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अभी चलिए डायमेंशन डिटेल की बात कर लेते हैं हम। तो क्या क्या डायमेंशन है तो देख सकते हैं, ये आपका बेडरूम है पीछे का 9 फीट 1 इंच बाई 11 फीट का, और इसी तरीके से अगर इधर बात करें तो 9 फीट आधा इंच बाई 11 फीट का आपको दोनों बेडरूम पीछे का देखने को मिल जाता है। और पूजा रूम की बात करें तो देख सकते हैं 5 फीट वाइड एरिया यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलता है आपको पूजा रूम के लिए। और इधर में आपका टॉयलेट का सेटअप है तो आप देख सकते हैं कुछ 5 फीट का टॉयलेट है, ठीक है। अगर हम ये देख सकते हैं, ये 5 फीट बाई यहाँ से यहाँ बात करें 5 फीट बाई 6 फीट का आपको टॉयलेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे साइज का है। और किचन की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 फीट 3 इंच बाई ये आपको 5 फीट 7 इंच का आपको किचन भी देखने के उधर मिल जाता है। पार्किंग एरिया की बात करें तो ये पार्किंग एरिया 15 फीट 8 इंच बाई 9 फीट का है जो कि इसी में आपको यहीं से एल शेप में आपको सीढ़ी का भी सेटअप इसी में निकालना है, ठीक है। और गेस्ट रूम की साइज़ की बात करें तो देख सकते हैं 10 फीट बाई आपको यहाँ 9 फीट 1 इंच का आपको गेस्ट रूम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये पूरा साइज हो गया आपके हाउस प्लान का, ठीक है। दोस्तों इस हाउस प्लान को बनाने में कम से कम आपको मिनिमम 10 लाख रुपये का खर्च आने वाला है अगर नॉर्मल से नॉर्मल आप घर बनाएंगे। अगर आप जितना ही ज़्यादा पैसा लगाएंगे इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग और अच्छे करके आप और भी चीज़ें अच्छी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको स्ट्रक्चर और एक नॉर्मल टाइल्स मार्बल लगा के नॉर्मल सा घर बनाना है जैसे हर एक चीज़ आपका हो जाएगा नॉर्मल पैसे में तो आपको 10 लाख रुपये मिनिमम लगेगा इस हाउस प्लान को बनाने में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको फ्रंट में यहाँ यहाँ देख सकते हैं ये फ्रंट में आपको यहाँ पे एक आपको विंडो का भी सेटअप देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना विंडो का जो भी स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं जिससे इस घर का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों आज का यही हाउस प्लान था, ठीक है, हमने ये प्लान बताया है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके का हाउस प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे बेनिफिट क्या होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बिल में चला जाएगा। थोड़ा सा हम इस टाइप से अगर कर देते हैं थोड़ा जूम करके तो आप चाहें तो इसका प्लानिंग का किस तरीके से इसमें सेटअप किया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायमेंशन डिटेल का। बहुत सारे हमारे व्यूअर कमेंट करते हैं कि सर हमको इसका PDF चाहिए, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।